खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में बीती कार्तिक पूर्णिमा की रात देश में नदी किनारे होने वाले सबसे बड़े महोत्सव निमाड़ उत्सव का पहला दिन पार्श्वर गायक सुदेश भोसले के गीतों के नाम रहा। इस दौरान देवी अहिल्या घाट पर मौजूद हजारों श्रोताओं को सुदेश भोसले के फिल्मी गीतों ने मनमोह लिया। कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी रात में जगमग रोशनी में अहिल्या घाट पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। निमाड़ उत्सव के 31वें आयोजन का शुभारंभ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक राजकुमार मेव ने कहा कि 3 दिन के इस उत्सव में स्थानीय, प्रादेशिक और देश के कलाकारों की प्रस्तुति लोगों को देखने को मिलती रहेगी। देश प्रदेश और निमाड़ की संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव निमाड़ उत्सव है। बहुत बढ़िया रहा, लोगों से बहुत प्यार मिला और सबसे बड़ी बात लता जी, आशा जी, किशोर कुमार साहब, बच्चन साहब और जितने भी दिग्गज हैं, जितेंद्र जी, श्रीदेव 80s के, सबके साथ काम करने का मौका मिला, सबका बहुत आशीर्वाद मिला। और दिन ब दिन सालों साल भी 45 साल से गा रहा हूँ, लोगों का प्यार या बोलो ना फैन फॉलोइंग जो बोलते हैं जिसको, वो बहुत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग प्यार करने लगे। निमाड़ क्षेत्र की आन बान शान निमाड़ उत्सव का आज हजारों लोगों के साथ आगाज हुआ है। आज बहुत ही शानदार जानदार भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे और उसके बाद में कल भी राष्ट्रीय स्तर के लोग अपनी प्रस्तुति देंगे और परसों राष्ट्रीय स्तर के कवि अपनी प्रस्तुति देंगे और ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और भव्यतापूर्वक ही शुरू हो रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने ये आयोजन फिर से पुनः शुरू करवाया और यह आयोजन भव्यता की ओर पहुंच रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां।